उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए तैयारियां जारी हैं। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे और सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार मुलाकात के दौरान रालोद अध्यक्ष के साथ पार्टी के सभी विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जयंत चौधरी की करीब एक घंटे मुलाकात के दौरान पश्चिमी यूपी के कई मुद्दों और विकास कार्यों पर चर्चा की गई। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर योगी और जयंत की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इस दौरान किसानों को लेकर भी सीएम के सामने कई बातें रखी गई। मीडिया के सामने जयंत चौधरी ने कहा, बैठक लंबी नहीं थी, समय अपर्याप्त था, लेकिन चर्चाएं हुई। बढ़िया बात हुई, बहुत विजन है यूपी के लिए, जो उनका विजन है बाबा का, हमने डिस्कस किया, हम लोग साथ काम कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। बड़ी लंबी मुलाकात हुई, एक घंटे से ज्यादा समय तक ये मुलाकात। नहीं कम समय, रोको। वो कह रहे नहीं लंबी मुलाकात नहीं, कम समय मिला। कम समय मिला, एक घंटा भी कम है, इतनी विस्तृत बातें हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद जयंत चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपना व्यापक दृष्टिकोण साझा किया और यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि अभी चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपना व्यापक दृष्टिकोण साझा किया। हम सभी इसे साकार करने के लिए काम कर रहे हैं और साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम सिर्फ चुनाव की बात नहीं करते, नीतियों पे बातचीत की। यूपी के लिए जो ब्रॉड विजन है मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने हमसे साझा किया, सब विधायकों को बताया, हम सब लोग उस के क्रियान्वयन में लगे हैं, जुटे हैं, साथ काम कर रहे हैं। तो आरएलडी यूपी में साथ में अभी इस बार चुनाव लड़ेगी और आगे भी रहेगी, वो तो है ही, उसमें कहाँ सवाल उठ रहा है। तीन सीटें ऐसी हैं जिन पर आपका जनाधार है पार्टी का, तो लग रहा है उपचुनाव। नहीं, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं इस चर्चा में नहीं शामिल हो रहा हूं। लेकिन उपचुनाव 10 की 10 सीटों पे हमारा ध्यान है। मैं इस बैठक के बाद सीएम योगी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री तथा रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी और उनके साथ आए माननीय जनप्रतिनिधिगण से शिष्टाचार भेंट हुई। जयंत चौधरी ने बारिश के बाद गोमती नगर में मनबड़ों द्वारा हुड़दंग की घटना के सवाल पर कहा कि जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, सरकार सख्त है और जो गोमती नगर की घटना पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का कदम उठाया वो होना चाहिए।